नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। वक्त हुआ है इंडिया 360 का और हम हाजिर हैं देश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, बड़े शहरों में बैंकों और एटीएम के बाहर लाइन कुछ छोटी होती जा रही है, वहीं छोटे शहरों में लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है। रोज दर्द की नई नई घटनाएं सामने आ रही हैं। कहीं पुलिस का बर्बर चेहरा दिखा तो कहीं लोगों का सब्र जवाब देता नजर आया। लाइन में लगे लोगों से पुलिस की गुंडागर्दी। नोट की जगह मिली गाली और पिटाई। जनाब आए तो थे नए नोट के दर्शन करने, पर वर्दी के नशे में धुत पुलिस वाले ने गुंडागर्दी का रंग दिखा दिया। ये तस्वीरें हैं यूपी के बुलंदशहर की। बैंक में नोट लेने के लिए लाइन में लगे एक शख्स पर अचानक फूट पड़ा दो पुलिस वालों का गुस्सा। तस्वीरों में देखिए कैसे दो पुलिस वाले इस युवक का गिरेबां पकड़कर उसकी इज्जत को सरे बाजार नीलाम कर रहे हैं। एक ने धक्का दिया तो दूसरे ने चेहरे पर घूंसा मारा। हद तो तब हो गई जब एक पुलिस वाले ने युवक पर राइफल ही तान। जब लोगों ने हाय तौबा मचाई तो दोनों पुलिस वालों ने युवक को छोड़ा। शहर अलग पर कहानी एक जैसी। बुलंदशहर के बाद उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में लोग नोटबंदी से परेशान दिखे। हर रोज की परेशानी बर्दाश्त से बाहर होते ही शुरू हो गया धरना प्रदर्शन और सड़क जाम। तो हमारे खाता धारक हैं, उनका पैसा जमा करने की अनुमति थी, वो बीच में रोक दी गई। अब हमारे खाता धारक जिनके दूसरी जगह खाते नहीं है, वो निश्चित रूप से जब हमारे यहाँ पैसा नहीं जमा कर पाएंगे तो कहीं दूसरे बैंक में जाएंगे। अगर दूसरे बैंक में जाएंगे तो दूसरा नया खाता खुलवाएंगे और हमारे बैंक का नुकसान होगा। उधर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में लोगों ने बैंक कर्मचारियों को ही बंधक बना लिया। बैंक के बाहर ताले जड़ दिए। अंदर कर्मचारी बंद थे तो बाहर चाबी लिए पब्लिक। कहा पहले पैसे देने की गारंटी दो तब ताले खुलेंगे। जनता धूप में खड़े का धक्के में खाकर परेशान हो रही है, गुस्सा होकर उन्होंने ताला लगाया। बैंक में हम लोग खोलने आए, खोलने नहीं, बाहर से ही पूछते हैं पैसे कब मिले। अंदर जाते हैं, देखते हैं पैसे आए नहीं है कल। नाराज पब्लिक ने फिर बाहर से ताला लगा दिया। देख लीजिए, ये नोटबंदी के 16वें दिन का हाल है और सरकार का दावा ये कि नोटबंदी का फैसला सोच समझ कर तैयारी के बाद लिया गया। अब ये समझ के परे है कि अगर तैयारी थी तो फिर अब तक हालात ठीक क्यों नहीं हुए। बुलंदशहर से मुकुल शर्मा और बाराबंकी से रेहान मुस्तफा के साथ सुधीर शर्मा, फिरोजाबाद आज का। नोटबंदी के बाद देश कतार में खड़ा है, पुलिस की गुंडागर्दी झेल रहा है और संसद के अंदर के हालात किसी संग्राम से कम नहीं है। विपक्ष लामबंद है और निशाने पर सीधे हैं प्रधानमंत्री। कोई हिटलर बुला रहा है तो कोई सरकार के सर्वे को फिक्स बताने में लगा है। इस बीच मनमोहन सिंह ने मोदी पर जबरदस्त वार किए। नोटबंदी के बाद देश को हुए आर्थिक नुकसान पर घेरा। कहा हम काले धन के साथ नहीं पर बिना तैयारी के किए गए सरकार के फैसले का कोई भी साथ नहीं दे सकता। फुल स्कैम उनको ब्लंडर नहीं लगता था। उस सरकार का मुखिया जो 2004 से 14 तक थी उनको ये ब्लंडर लगने लग पड़ा। नोटबंदी के बाद संसद में संग्राम छेड़े विपक्ष ने अपने तरकश से कुछ पुराने तीर निकाले जो हमेशा कम से कम बोलने के लिए जाने जाते रहे। कांग्रेस ने आर्थिक मोर्चे पर दम दिखाने के लिए अर्थशास्त्री से प्रधानमंत्री बनने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आगे किया, लेकिन अरुण जेटली ने नियम का अड़ंगा लगाया। बवाल हुआ तो कार्रवाई स्थगित हो गई। दोबारा कार्रवाई शुरू हुई तो मनमोहन बोलने आए और नोटबंदी को लूट की संज्ञा दे दी। 10 साल तक देश की कमान संभालने वाले मनमोहन ने मोदी के फैसले पर सवाल उठाया, बोले पीएम बिना तैयारी के ही मैदान में कूद गए।
संसद के बाहर फिर निशाने पर लिया। कहा, सर्वे के नतीजे से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जेटली के निशाने पर मनमोहन भी थे। बोले, जिनके 10 साल घोटालों की भेंट चढ़ गए वो नोटबंदी को लूट कहते हैं। जाते जाते ये भी याद दिला गए कि उनके ही कार्यकाल में सबसे ज्यादा काला धन जमा हुआ। उस सरकार का संचालन करने वाले लोग जो 2004 से 14 तक सरकार में थे, जहां शायद इस देश में सबसे अधिक ब्लैक मनी का जनरेशन हुआ होगा, 2G से लेकर कॉमनवेल्थ गेम, कोल स्कैम, जो लाखों करोड़ों रुपए के स्कैम्स हुए, आज ब्लैक मनी के खिलाफ हुआ कैंपेन उनको ब्लंडर लगने लग पड़ा है। बेशक नोटबंदी पर सर्वे कराने के बाद सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन सवाल अपनी जगह कायम है, और वो ये कि क्या सरकार ने बिना तैयारी के ही इतना बड़ा फैसला ले लिया। अगर ऐसा नहीं है तो नोटबंदी के फैसले के 16वें दिन लोग इतने बेहाल क्यों हैं? रीमा पराशर के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। दीमापुर एयरपोर्ट पर चार्टर प्लेन से 3.5 करोड़ रुपए की रकम बरामद होने के बाद देश भर के एयरपोर्ट को अलर्ट कर दिया गया है। वहीं दीमापुर एयरपोर्ट पर मिले कैश के मामले में कई लोगों से पूछताछ भी हो रही है। क्या है पूरा मामला इस कैश का, देखिए इस रिपोर्ट में। नोटबंदी के बाद एयरपोर्ट पर अलर्ट। नोटबंदी का चार्टर्ड प्लेन कनेक्शन आया सामने। प्लेन से ठिकाने लगाया जा रहा है काला धन। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हाल ही में नागालैंड के दीमापुर एयरपोर्ट पर एक चार्टर्ड विमान से बरामद किए गए थे 1,000 और 500 के पुराने नोट में 3.5 करोड़ रुपए। लेकिन उसके बाद ये कैश गायब हो गया और पूरा मामला उलझता चला गया। यही वजह है कि अब देश भर में नोटबंदी पर एयरपोर्ट को अलर्ट कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक दीमापुर एयरपोर्ट पर जब ये पैसा पहुंचा तो एक स्थानीय नगा कारोबारी ने इस रकम पर दावा किया और रुपए ले गया। उसने इनकम टैक्स विभाग का एक सर्टिफिकेट दिखा, टैक्स छूट का दावा किया और रकम ले गया। उसके मुताबिक दीमापुर से जमीन सौदे के लिए 5 करोड़ रुपए हिसार भेजा गया था, लेकिन सौदा न हो पाने के कारण 3.5 करोड़ रुपए वापस दीमापुर लाया जा रहा था। कारोबारी नागालैंड के पूर्व CM का करीबी रिश्तेदार है। हालांकि आयकर विभाग इस मामले को अलग तरीके से देख रहा है और उसका मानना है कि ये रकम कुछ राजनेताओं की हो सकती है। इस मामले में दिल्ली के कारोबारी समेत 3 लोगों से पूछताछ भी हो रही है। आखिर क्यों आदिवासी इलाकों में भेजे जा रहे हैं रुपए, ये बड़ा सवाल है। आदिवासियों को आयकर की कई धाराओं के तहत आयकर से छूट है और वो कितना भी पैसा अपने अकाउंट में जमा करा सकते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से, मणिपुर और मिजोरम में काले धन को खपाने की कोशिश में जुटे हैं। इसी के चलते आयकर विभाग ने देश के 59 एयरपोर्ट पर CISF को अलर्ट कर दिया है। उनसे कहा गया है कि नोट जब्त होने की जानकारी फौरन आयकर विभाग को दी जाए। आतिर खान के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक। सरकार लाख कोशिश कर ले, कुछ ना कुछ लूपहोल्स ढूंढ करके लोग अपना काला पैसा सफेद बनाने की कोशिश में अभी भी लगे हुए हैं। कैश की किल्लत से जूझ रही जनता को राहत देने के लिए बिग बाजार ने कार्ड स्वाइप करके 2,000 कैश देना आज से शुरू कर दिया है। देश भर के बिग बाजार के आउटलेट पर ये सुविधा उपलब्ध है, लिहाजा गुरुवार को ज्यादातर लोग ATM की लंबी लाइनों में लगने से बचने के लिए बिग बाजार पहुंचे। वहीं कैश मिला, कहीं सर्वर डाउन होने की वजह से उनको इंतजार भी करना पड़ा। बाजार बिग हो या स्मॉल, बिना कैश के काम नहीं चलता, लिहाजा बिग बाजार ने अपने आउटलेट्स में छोटा सा कैश काउंटर खोल दिया। कैश काउंटर खुलने से पहले ही बिग बाजार के बाहर बड़ी बड़ी लाइनें लग गईं। बिग बाजार आउटलेट से अब आप ATM की तरह पैसे भी विड्रॉन कर सकते हैं। इसकी लिमिट 2,000 रुपए तय की गई है और इस वक्त हम ग्रेट इंडिया पैलेस मॉल में मौजूद है बिग बाजार आउटलेट के ठीक बाहर। तस्वीर पहले दिखा दूं कि किस तरीके से यहां पर विड्रॉ करने के लिए लोग उमड़े हुए हैं। क्या दिल्ली क्या नोएडा, लोगों को जैसे इस बात की जानकारी हुई कि बिग बाजार अब उनके लिए मनी ATM बन गया है तो देर क्या थी, सुबह से ही बिग बाजार के आउटलेट्स के बाहर लोग जुटने लगे। हालांकि काफी देर तक इंटरनेट नहीं चलने से कैश लेने आए लोग मायूस दिखे। फिर जब काम शुरू हुआ तो छोटे नोट की जगह 2,000 के नोट देखकर लोग भड़क गए।
क्या हुआ जब आप स्वाइप मशीन पर गए? मैंने एक घंटा पहले आया था, पहले तो उनकी स्वाइप मशीन काम नहीं कर रही थी, कहते नेटवर्क नहीं आ रहा। एक घंटे बाद नेटवर्क आया है तो 2000 रुपए का नोट मिला है, उसका कोई यूज नहीं, मैं कहाँ खुले कराऊंगा, मैंने छोड़ दिया। मैं तो यहाँ पे ऑफिस के लिए जा रहा था कस्टमर के पास, लेकिन यहाँ पर अभी नेटवर्क इशू आ रहा है तो चल नहीं रहा है, सिर्फ 2 लोगों का ही निकला है कैश, बाकी लोग खड़े हुए हैं। नोएडा की अट्टा मार्केट के पास GIP मॉल में भी बिग बाजार में कैश लेने वालों की भीड़ रही। ICICI HDFC बैंकों के ग्राहक बिग बाजार से पैसे नहीं निकाल पाए। कुछ महिलाएं भी कैश लेने पहुंची लेकिन उनके कार्ड नहीं चले। हालांकि बहुत से लोगों ने बिग बाजार से कैश सुविधा का फायदा उठाया और चमचमाता 2000 का नोट लेकर गए। ATM भले ICICI का हो या SBI का हो, आप कोई भी कार्ड स्वाइप कर सकते हैं। सिमिलर ये चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। तो पीछे से बैंक्स को अपने आपको कन्फिगर करना पड़ेगा मशीन के साथ में। तो कुछ एक कोई जगह पे कोई बैंक चल रहा है, कोई जगह पे कोई बैंक चल रहा है, बट लार्जली आप देखेंगे मेरे हिसाब से 1-2 दिन में ये भी हो जाना चाहिए पूरा। जब कैश होगा तो कारोबार होगा, और अगर बिग बाजार से कैश मिलेगा तो लोग खर्च भी करेंगे। अब देखना है कि कैश की सुविधा देने के बाद बिग बाजार को कितना फायदा होता है। रोशनी ठोकने के साथ आज तक ब्यूरो। इस बीच सरकार ने रात 8 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है, जिसमें पुराने नोटों की नई मियाद तक तय की जा सकती है। हालांकि सरकार ने टोल बूथ को 2 दिसंबर तक के लिए फ्री कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज रात को ये कैबिनेट की बैठक होगी। उधर हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को नगद वेतन देने का ऐलान किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को उनका ड्रीम होम आखिरकार मिल गया। करोड़ों की लागत से सीएम साहब का सरकारी आवास बनकर तैयार है। के चंद्रशेखर राव ने पत्नी के साथ आज इस भवन में गृह प्रवेश किया। देखिए इस रिपोर्ट में कि क्या खासियत है इस घर की। ये सालों के आंदोलन के बाद उपजे नए राज्य तेलंगाना के मुखिया का नया ठिकाना है। सरकारी दस्तावेजों में दर्ज इस आलीशान बंगले को अब मुख्यमंत्री निवास कहा जाएगा। सूबा बनते ही के चंद्रशेखर राव को राज्य की कमान मिल गई थी, अब उन्हें अपने ड्रीम होम की कुंजी भी मिल गई। हैदराबाद के बेगमपेट में बने देश के सबसे हाई प्रोफाइल बंगले में सुबह 5:22 पर तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने अपनी पत्नी शोभा के साथ गृह प्रवेश किया। इस दौरान वास्तु पूजा, सुदर्शन यज्ञम और पूर्णाहुति की रस्म संपन्न हुई। सीएम ने नारियल फोड़ा और घर में प्रवेश किया। इसके बाद वास्तु के लिए भवन में एक गाय और उसके बछड़े को घुमाया गया। साथ चल रहे थे महंत। हैदराबाद के बीचों बीच बेगमपेट इलाके में पूरे 9 एकड़ में फैले इस घर में बुलेट प्रूफ खिड़कियां लगी हैं। इस घर में 250 लोगों के बैठने की व्यवस्था वाला एक थिएटर भी है। उसे ऑडिटोरियम की तरह इस्तेमाल किए जाने पर 2 गुने लोगों को बिठाया जा सकता है। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में एक मिनी सेक्रेटेरिएट भी है। मुख्यमंत्री के बंगले में 300 कारों की पार्किंग की व्यवस्था है। राज्य सरकार ने इस परिसर का नाम प्रगति भवन रखा है। बताया जा रहा है कि इस घर के निर्माण की लागत 35 करोड़ रुपए है, लेकिन सूत्रों के हवाले से इसकी लागत में 50 करोड़ के आसपास खर्च हुए हैं। आपको बताते चले कि तेलंगाना वो राज्य है जिसने अपने 9 जिलों को पिछड़ा बताते हुए केंद्र सरकार से 450 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदद मांगी है। आशीष पांडे, हैदराबाद आज तक। आप देख रहे हैं इंडिया 360 और अब खबर ग्वालियर से। यहां एक पत्नी को अपने पति पर शक हो गया, उसके बाद उसने पति को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाया। क्या हुआ उसके बाद, देखिए इस रिपोर्ट में। बंद दरवाजे के बाहर बीवी और अंदर पति किसी और के साथ। फिर क्या था, दरवाजा खुला और शुरू हो गया बवाल। पति के साथ पकड़ी गई लड़की पर पत्नी और रिश्तेदार टूट पड़े। दोनों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। ये सब पुलिस के सामने हुआ। पुलिस वाले चंडी का रूप धारण की हुई पत्नी को समझाते बुझाते रहे। कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। पुलिस वाले ने किसी तरह पकड़ी गई लड़की को कब्जे में लिया और बाहर निकाला। अब आपको बताते हैं कि ये कहानी क्या है। दरअसल ग्वालियर में रहने वाले अनिल कुमार मुरैना के निजी कॉलेज में शिक्षक हैं। इनकी पत्नी दिल्ली में रहती है।
इस बीच पति की हरकत पर पत्नी को शक हो गया। पति को रंगे हाथों पकड़ने के लिए वो दिल्ली से ग्वालियर पहुंची और 3 दिन तक पति की जासूसी करती रही। पत्नी की चाल से बेखबर पति ने जैसे ही अपनी महिला मित्र को बुलाया, पत्नी ने दरवाजे पर पहले ताले जड़े और फिर पुलिस को बुलाया और दोनों को रंगे हाथों दबोच लिया। हालांकि इस हो हल्ले के बाद कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। सभी थाने से लौट आए। अब लगता है तमाशे के बाद मामला घर में सुलझेगा। सर्वेश पुरोहित, ग्वालियर, आज तक।